Morning children, now in our science class, today we will discuss about land and sea breezes. First topic is sea breeze. During the daytime, the land gets heated up faster and then it heats up the air above it. As hot air is lighter, it rises up and as the sea water does not get heated up so easily, the air above it is cool. The cool air of the sea occupies the space of the warm air of the land. Thus, the cool air from the sea blows towards the land during daytime. This is called sea breeze. बच्चों, दिन के समय जो ज़मीन होती है वो बहुत तेज़ी से हीट हो जाती है सन के रेस से, ठीक है? और जैसे ही ये हीट होती है वैसे ही जो गर्म हवा होती है वे ऊपर को उठती है. आपने पढ़ा, अभी आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है इसलिए वो ऊपर उठती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है इसलिए वो नीचे आ जाती है. तो जब दिन के समय में जब लैंड गर्म हो जाता है, ज़मीन गर्म हो जाती है, तो उसके ऊपर की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है, तो फिर वो ऊपर उठने लगती है. क्योंकि हॉट एयर लाइट होती है इसलिए वो ऊपर उठने लगती है. सी वाटर जो है वो जल्दी से नहीं गर्म हो पाता है, इसीलिए जो एयर सी के ऊपर जो होती है, मतलब जो समुद्र के ऊपर की जो हवा होती है वो कूल रहती है, मतलब वो ठंडी रहती है. तो कूल एयर जो होता है वो सी का, वो स्पेस के वार्म एयर को कवर कर लेता है. मतलब वार्म एयर जो ज़मीन की वार्म एयर होती है वो ऊपर राइज होती है, और सी की जो कूल एयर होती है वो उस एयर को फिल कर लेती है, मतलब उस स्पेस को फिल कर लेती है. मतलब जो ठंडी हवा समुद्र से आ रही होती है वो ज़मीन में, जब उसकी गर्म हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हवा जो समुद्र की आ रही होती है वो उसकी जगह ले लेती है, ठीक है? इस तरह से कूल एयर वो सी से, मतलब समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ दिन में बहती है, इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज. ओके, ठंडी हवा जब समुद्र से लैंड की तरफ दिन के टाइम बहती है तब हम उसे बोलते हैं सी ब्रीज. ओके, नाउ कमिंग टू लैंड ब्रीज. ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स डाउन क्विकली सो द एयर अबव इट कूल्स डाउन. द वाटर इन द सी इज मच वार्मर देन कंपेयर टू द लैंड एंड सो द एयर अबव इट. एज द हॉट एयर इज लाइटर इट राइजेज अप सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड रीचेज द सी एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ वार्म एयर ऑफ द सी. Thus the cool air from the land blows towards the sea during night time. This is called the land breeze. अब children, night, रात के समय में ज़मीन जो जल्दी से ठंडी हो जाती है, ठीक है? इसलिए उसके ऊपर की जो एयर है, मतलब ज़मीन के ऊपर की जो हवा है वह भी ठंडी हो जाती है. और सी के ऊपर जो वाटर है, मतलब सी के ऊपर वाटर गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है, ठीक है? लैंड के कंपैरिजन में रात में सी के ऊपर की एयर वो वार्म हो जाती है, ठीक है? इसलिए ये वार्म एयर जो सी के ऊपर है वो ऊपर उठने लगती है, मतलब राइज करती है, ठीक है? एज द हॉट एयर इज़ लाइटर, मतलब सी के ऊपर की जो एयर है वो गर्म है तो वो ऊपर उठने लगती है. और लैंड में जो कूल एयर होती है, ठीक है, वे सी के गर्म एयर की जगह को, मतलब उसके स्पेस को ले लेती है. मीन्स क्या होता है, सी की गर्म हवा ऊपर उठती है तो जो लैंड की कूल हवा होती है, ठंडी हवा होती है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है. तो रात में क्या होता है, कूल एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टूवर्ड्स द सी ड्यूरिंग डे नाइट टाइम. नाइट के समय में लैंड से ठंडी हवा, मीन्स ज़मीन से ठंडी हवा सी की तरफ बहती है, इसी को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज. ओके, मतलब रात के समय में लैंड से जो ठंडी हवा होती है वो सी की तरफ बहती है, जिसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज. क्यों बहती है? क्योंकि ये सी के ऊपर की गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो उसके स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. ओके चिल्ड्रन, अब ये डायग्राम है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का, इसे आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है. ओके, सो नाउ वी नो So now we know that the heat of the sun helps in movement of air and causes sea and land breeze. तो अब हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि सूर्य की गर्मी जो है वो एयर के मूवमेंट में हेल्प करती है, जिससे कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होते हैं.
अब एक्टिविटी 9 बच्चों, ये आप लोग अपने आप से करना घर पे, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वाटर। वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन द अर्थ। नियरली 70% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म इज आइस, लिक्विड फॉर्म इज वाटर एंड गैसियस फॉर्म इज वाटर वेपर। वाटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे अर्थ का सबसे अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कंपाउंड है। हमारे अर्थ का 70% अर्थ का जो 70% एरिया है वो वाटर से कवर होता है। वाटर थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के रूप में क्या एग्जिस्ट करता है? आइस। आइस जो है वाटर का सॉलिड फॉर्म है, वाटर लिक्विड फॉर्म है और वाटर वेपर वाटर का गैसियस फॉर्म है। नाउ द सोर्सेज ऑफ वाटर। द सोर्सेज ऑफ वाटर आर रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स नियर द पोल्स। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इवन द क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर। सम वाटर इज फाउंड अंडरग्राउंड विच कैन बी ड्रॉन बाई ट्यूब वेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर देयर नॉर्मल फंक्शनिंग। वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। हमारे धरती पे, ज़मीन पे, अर्थ में वाटर के क्या क्या सोर्स हैं? रिवर्स, लेक, सीज और ओशियंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हमारे वाटर का आइस के फॉर्म में होता है, पोल्स के पास, नॉर्थ पोल, साउथ पोल है ना अर्थ में, जहाँ पे वाटर आइस के फॉर्म में रहता है। एयर में भी वाटर वाटर वेपर की फॉर्म में होता है और क्लाउड्स भी वाटर से बनते हैं। वाटर कुछ अंडरग्राउंड भी होता है, मतलब ज़मीन के अंदर भी पाया जाता है, जिसे कि हम ट्यूबवेल से निकालते हैं, ओके। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर अपना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को चेंज कर लेता है हीटिंग या कूलिंग पे, मतलब वाटर को गर्म करने पे या उसे ठंडे करने पे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, मीन सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस फॉर्म में चेंज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर इज कलरलेस और ट्रांसपेरेंट। प्योर वाटर इज ऑडरलेस एंड टेस्टलेस। मेनी सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर, सो वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। प्योर वाटर है जो वो है कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है। बहुत सारे सब्सटेंसेज है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ओके। Children, this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.